हाय, मैं हूँ इजाज़ खान। हाय, मैं हूँ पवित्रा पूनिया। और आप हमें देख रहे हैं टेलीफिल्म्स पे। चल सर, पहले तो संदीप जी के घर आप आए हो, 49 उनका सेलिब्रेशन है, क्या कहना चाहोगे इस रिलेशन के बारे में? हम बूढ़े हो गए साथ में, ये कहना चाहूँगा। संदीप के साथ बहुत करीबी रिश्ता रहा है, उनके घर पर आना जाना, खाना पीना चलते रहता है। जब भी मैं बांद्रा आता हूँ, संदीप से कहने से फर्स्ट कॉल आई मेक आफ्टर माय ब्रदर, नो इवन बिफोर माय ब्रदर समटाइम्स। तो बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलने, और ये तो ट्रेडिशन है, ये और दिवाली पार्टी, तो आना तो है ही, लेट ही सही लेकिन आना तो है। गणेश उत्सव की कोई आपकी, आप लोगों की कोई मेमोरीज होगी चाइल्डहुड की, कोई ऐसी स्पेशल मेमोरीज जो आप शेयर करना है? पवित्र जी, आप कुछ बताना चाहोगे? यार मेरे तो हंसी हंसी आते हैं, ये मेरा 6ठा साल है और रुलाते हुए जाते हैं। तो कल हमारा विसर्जन है, हमारा साथ में हम करेंगे पप्पा का विसर्जन। आप कुछ बताना चाहोगे सर? पिछले साल पहला था तो बहुत अच्छा लगा। मेरा सवाल था कोई ऐसी मेमोरीज गणपति उत्सव की आप? यार बहुत सारी मेमोरीज है, मैं तो मुंबई से ही हूँ, तो बचपन में आरके गणपति से लेके हमारे सोसाइटी में गणपति जब हम स्थापित करते थे तो हम लेने जाते थे और गाने बजते थे, हम रात भर बैठे रहते थे वहाँ। बहुत मिस करता हूँ मैं अपना बचपन, चेंबूर में निकला, और इनके साथ पिछले साल फिट नहीं हो रहे, इनके साथ पिछले साल पहला था। नहीं नहीं, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। किस तरह से देखते हो इस गणेश उत्सव को? पहला साल पिछले साल था, इस बार सेकेंड ईयर है, साथ में गणेश उत्सव मनाने की कितनी खुशी होती है? खुशी बहुत है यार, लेकिन मैडम बिजी हैं आजकल बहुत, तो सब गणपति पप्पा की देन है, हम दोनों को ही बिजी रहना चाहिए। मैं तो कहूँ हम एक भी दिन घर पे ना बैठे। इस बार वही हम बात कर रहे थे कि घर पर कोई वैसे इतने लोग आए भी नहीं मिलने के लिए, क्योंकि ये खुद बिजी हैं। हम इनवाइट ही नहीं दे पाए बिकॉज इनका शूट डे नाइट कब रहता है नहीं पता चलता है, देन मेरा पूरा दिन टेलीविजन, सबको पता है कैसे शूट होता है, तो इस बार इनवाइट भी नहीं जा पाए। इसलिए इनके शो के जब किरदार के बारे में आपको बताया तो आपका पहला चीज क्या था? लास्टली मैं पूछना चाहूँगा, ज्यादा वक्त नहीं, मैं ही नहीं सब बोलते हैं, काफी लोग, इनके लिए वो रोल टेलर मेड था और बहुत अच्छी तरह कर रही है। यही लगता है टेलर मेड रोल था आपके लिए? अब अपने मुंह से अपनी क्या तारीफ करूं। कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट सिटी ऑफ ड्रीम 3 आने वाला है, लास्ट क्वेश्चन है मेरा। भाई बहुत अच्छे अच्छे फिल्में कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके बारे में अभी बात नहीं कर सकते। ठीक है, आराम से बात करें। थैंक यू।